myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Awra. Now, in last class, we study a new chapter as fraction. Right? What is fraction? Fractions are rational numbers, or fractions are in the form of p by q or a by b. Right? तो a by b में जो नंबर रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे. राइट, एंड न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. राइट, तो a इज द न्यूमरेटर एंड b इज द डिनोमिनेटर, और यू राइट हियर p by q. एंड वी स्टडी इन लास्ट क्लास आज प्रॉपर फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट, मिक्सड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन. Right? To see here, what is proper fraction? If the numerator is always less than the denominator, then the fractions are called proper fractions. Right? Improper fraction means the denominators are always less than or equal to numerator. Then the fractions are called improper fractions. Next, mixed fraction means, right, a fraction having or combination of whole number as well as proper fraction, then the fractions are called mixed fraction. Right? Next, we study like fraction and unlike fraction. So like fraction means the fractions having same denominators are called like fractions. And unlike fraction means the fractions having different denominators are called unlike fraction. Right? Now, we will continue the exercise 2.1 in that third question. Right? So, हमने last class में exercise 1.2 का exercise 2.1 तो उसमें से सेकेंड क्वेश्चन तक हमने किया था. तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सी थर्ड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट द गिवन फर्स्ट क्वेश्चन एज 7/5 माइनस 2/5. राइट, तो सी है इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन द फ्रैक्शन, तो जो न्यूमरेटर रहेंगे, जो ऊपर के न्यूमरेटर है उसे हम ऐड कर सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं. राइट, तो सी है द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन फाइव, राइट, 7 - 2, तो यहां प्लस रहे तो आप प्लस ले सकते हैं, माइनस रहे तो माइनस. So 7 - 2 is 5. 5 / 5 is equal to 1. Right? Are you right here? 1/1. Next, second question. 9/2 - 6/5. Right? So see here, in this, the denominators are not equal. So ये दोनों क्या है? Unlike fraction है. Right? तो यहां लाइक फ्रैक्शन थे. सी है द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन द फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. सी है अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो हमें क्या करना है? या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, नहीं बोले तो आप डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं. तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं. सी है 9 5 = 45, 2 6 = 12, 5 2 = 10. राइट, तो 45 - 12 = 33/10. राइट, 33/10. और तो इसे ही मिक्स फ्रैक्शन में हम 3/10 ऐसे लिख सकते हैं. राइट, अगेन यू सिंप्लीफाई,
10 into 3 is 30, 30 plus 3 is 33 by 10. So next, see here, next question, fifth question dekho. See here the given 3 upon 3 by 10, the given in mixed fraction, right? So 1 upon 7 by 15. So see here cross multiplication kijiye aap first 10 into 3 is 10 into 3 is 30, 30 plus 3 is 33 by 10 minus 15 ones are 15 plus 7, 15 into 1 is 15 plus 7 is 22 divided by 15. तो सी यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या तो इन दोनों को सेम करो. दोनों को सेम करना है बोले तो डिनोमिनेटर को एलसीएम लेना है, राइट? तो एलसीएम लीजिए, 5 2 5 3 अगेन 2 से करो, अगेन 3 से, राइट? 5 into 2 into 3, राइट? तो एलसीएम 5 2 10, 10 3 30, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इज 30. तो इन दोनों को 30 बना, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करो और इसे 2 से करो, राइट? 33 3 99, अगेन 10 3 30 माइनस 22 2 44, 15 2 30. तो सी हियर दीज डिनोमिनेटर्स आर सेम, देन 30 99 माइनस 44, 55 डिवाइडेड बाय 30 इज द आंसर. और आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं. तो देखो 5 11 5 6, और यू राइट हियर 11 बाय 6 इज द आंसर, राइट? ऐसे आपको सॉल्व करना है. रिमेनिंग प्रॉब्लम आप होमवर्क में कीजिए, ओके? तो आपको आंसर, दिस इज इन मिक्सर फ्रैक्शन, आपको मिक्सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो देखो 6 1 6 प्लस 5 11 बाय 6, दिस इज मिक्सर फ्रैक्शन में आंसर है, राइट? 11 बाय 6, और यू राइट 1 upon 5 by 6. नेक्स्ट सी है फोर्थ क्वेश्चन, द गिवन सिंप्लीफाई. Simplify. See here, in that first question is given 5 by 9 minus 7 by 12 plus 1 by 2, right? तो देखो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसके डिनोमिनेटर सेम कीजिए, नहीं बोले तो इन दोनों को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं इन दोनों का, इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व करता हूं, राइट? सो सी हियर 9 9 12 2, राइट? तो एलसीएम निकालो 2 से फर्स्ट, 9 एज इट इज, 6 1 0, 3 से निकालो, 3 3 3 2 1 0, अगेन 3 से निकालो, 1 2 1, अगेन 2 से 1 1 1. तो 2 into 3 into 3 into 2, 2 3 6 6 3 18 18 2 36. तो इन सभी को 36 बनाना है आपको, राइट? तो सी है 5 by 9 minus 7 by 12 plus 1 by 2, राइट? तो इसे 36 बना, 9 को 36 बनाना है तो 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो सी है 9 4 36, 12 3 36, एंड 18 2 36, राइट? तो बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो सी है 5 4 20 डिवाइडेड बाय 9 4 36 माइनस 7 3 21 डिवाइडेड बाय 36
plus 18 divided by 36. If the denominators are same, then 36, 20 minus 21 plus 18, right? So see here. Next, तो 20 plus 18, तो ये दोनों प्लस है, फर्स्ट प्लस कीजिए, 38 minus 21 divided by 36, right? तो see here, 38 minus 21, तो कितना आएगा? 8 minus 1 is 7, 2 minus 17 divided by 36, right? 17 divided by 36. तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट? तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप होमवर्क में कीजिए. नेक्स्ट वी गो टू फिफ्थ क्वेश्चन. सी यार, फिफ्थ क्वेश्चन दे गिवन. सीमा हैज 3/1/5 मीटर ऑफ रिबिन. She gave 1/1/2 meter out of the ribbon to her brother. To her brother, how much ribbon is left with Seema? How much ribbon is left with Seema? Right. So see here question, they have Seema have 3/1/5 meter of ribbon and she gives 1/1/2 meter out of the ribbon to her brother. Then how much ribbon is left with Seema? Right. So see here solution. देखो, सीमा हैव टोटल रिबिन और टोटल लेंथ ऑफ रिबिन इज 3/1/5 मीटर, राइट? तो 3/1/5 मीटर एंड She gave her brother to her brother is 1/1/2 meter, right? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? How much ribbon is left with Seema, right? तो देखो इसे क्या करना है. देखो, तो टोटल 3/1/5 मीटर रिबिन है, उसमें से क्या करती है सीमा ने 1/1/2 मीटर उसके भाई को देती है, राइट? तो रिमेनिंग, तो जितने रिमेनिंग तो माइनस करना हमें 3/1/5 माइनस 1/1/2, राइट? तो सी है, तो ये क्या है, मिक्स रिफ्रैक्शन में है, तो इसे कन्वर्ट करो. 5 3 15 प्लस 1 इज 16/5 माइनस 2 1 2 प्लस 1 इज 3/2, राइट? तो 16/5 माइनस 3/2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए आप, राइट? तो 16 2 जा
32 माइनस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10 राइट। तो 32 माइनस 15 इज, तो 32 में माइनस 15 करो 17 बाय 10 और इसे ही हम 1 अपॉन 10 डिवाइड इंटू 7 मीटर राइट, 1 अपॉन 7 बाय 10। तो कैसे लिखा हूं देखो मैं 10 तो 17 10 1 जा 10 रिमेन्स 7 तो कोसेंट है राइट। तो यहां कोसेंट लिखना है, मैंने 6th क्लास में आपको पढ़ाया है कोसेंट राइट, रिमाइंडर एंड डिवीजन राइट, क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय डी। क्यू मीन्स कोसेंट, आर मीन्स रिमाइंडर एंड दिस इज डिवीजन। सी हियर कोसेंट रिमाइंडर एंड डिवीजन राइट, 17 डिवाइडेड बाय 10 और 1 अपॉन 7 बाय 10 मीटर राइट। नेक्स्ट सी हियर सिक्स्थ क्वेश्चन अतुल ट्रेवल्स, अतुल ट्रेवल्स 22 अपॉन 1 बाय 3 किलोमीटर बाय बस, बाय बस टू रीच his school a museum each 6 upon 1 by 4 kilometer away from his school, away from his school right, his school, how far is the museum from his house, how far is the museum from his house. You see here Atul travels 22 upon 1 by 3 kilometer by bus to reach his school, and again he travels, a museum is 6 upon 1 by 4 kilometer away from his school, then how far is the museum from his house right। To dekho Atul travels to school right, and he finally go to museum, this is school, this is museum right। So total distance from home to school is 22 upon 1 by 3 hai kilometer, and from school to museum is 6 upon 1 by 4 kilometer right। So total humne home to museum tak ka distance find out karna hai, to hamare paas house to school tak distance diya so hai aur school to museum ka bhi distance diya so hai right। So hame find out kya karna hai, from house to museum ka distance find out karna hai। To see here तो लिखो सॉल्यूशन, अतुल ट्रेवल्स बाय बस इज 22 अपॉन 1 बाय 3 किलोमीटर
from home and the distance between between school to museum is 6/1/4 km, right? Therefore, total distance from Atul house to museum is right. See here, museum is, तो हमें क्या करना है, प्लस करना है 22/1/3 प्लस 6/1/4, राइट। तो टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमें प्लस करना है, राइट। तो सी हियर, दीज टू नंबर्स आर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसे चेंज करो आप, राइट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 22 3 66 + 1 / 3 प्लस 6 4 24 + 1 / 4, राइट। लेट्स सी हियर, 67 / 3 प्लस 25 / 4, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, राइट, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, 7 4 = 28 कैरी 2, अगेन 6 4 = 24 + 2, सी हियर 7 4 = 28 तो 8 कैरी 2, 6 4 = 24 + 2 = 26 प्लस 75 / 3 4 = 12, सी हियर 3 25 और 25 3 = 75, राइट। तो ऐड करो आप, तो 8 + 5 = 13 कैरी 1, 4 कैरी 1, 3 / 12, राइट। तो 12 से आप उसे ए करो नेक्स्ट, और उसे आप मिक्सड फ्रैक्शन में लिखो। तो लिखने के बाद, राइट, तो मिक्सड फ्रैक्शन में लिखो आप, लिखने के बाद तो आंसर क्या आएगा, 28/7/12 किलोमीटर, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन अतुल हाउस टू म्यूजियम इज 28/7/12 किलोमीटर्स, राइट। तो आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, राइट। तो देखो नेक्स्ट सी है, सेवंथ क्वेश्चन आप कीजिए, एट क्वेश्चन सी है, व्हाट शुड बी एडेड टू added to 7/3/5 to get 18, right? So what should be added to 7? तो इसे कौन से नंबर को प्लस करने के बाद हमें 18 मिलता है, राइट। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करना है आपको, व्हाट शुड बी एडेड टू 7/3/5 टू गेट 18, राइट। तो फर्स्ट हम इसे हम ऐसे लिखेंगे, 7/3/5 प्लस x इज इक्वल टू 18, तो x हमें मालूम नहीं, इसलिए x प्लस करने के बाद हमें 18 आंसर मिलेगा। तो देखो
तो ये मिक्स रिफ्रैक्शन में है राइट, तो इसे कन्वर्ट करो आप, सेवन फाइव जा 35 प्लस 3 इज 38 डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 राइट, तो ये 38 डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स है, एक्स वही रखो 18 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 5 राइट, तो यहां कुछ भी नहीं बोले तो 1 रहता है, तो डिनोमिनेटर सेम बनाओ आप, तो 5 से मल्टीप्लाई करो राइट, तो 18 फाइव जा 90, 1 फाइव जा 5, 38 डिवाइडेड बाय 5, इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन सब्ट्रैक्ट और एड इट, 90 माइनस 38 राइट, तो 90 माइनस 38 इज 52 डिवाइडेड बाय 5, 90 माइनस 38 इज 52 डिवाइडेड बाय 5, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो 10 अपॉन 2 बाय 5 राइट, ऐसे लिख सकते हैं हम, सी एन 5 टेन जा 50 प्लस 2 52 डिवाइडेड बाय 5, तो सी एन 10 अपॉन 2 बाय 5 इज द आंसर, when we add 10 upon 2 by 5 to 7 upon 3 by 5 then we get 18, तो आप करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, ओके, सी एन नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, सी एन गिवन व्हाट शुड बी एडेड What should be added to 7 upon 4 by 5 to get 8 upon 2 by 5 right? तो देखो 8th question और 9th question same है, तो देखो लिखो आप solution right? तो व्हाट शुड बी एडेड टू 7 अपॉन 4 बाय 5 टू गेट 8 अपॉन 2 बाय 5, तो एक्स प्लस 7 अपॉन 4 बाय 5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 बाय 5 राइट, तो सी हियर एक्स एज इट इज और एक्स एज इट इज 7 फाइव जा 35 प्लस 4 इज 39 बाय 5 इज इक्वल टू 8 5 जा 42 डिवाइडेड बाय 5 राइट, तो x एज इट इज 42 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज, तो देखो तो ये प्लस है, साइन चेंज करो ऑटोमेटिकली साइन विल बी चेंज राइट, माइनस 39 डिवाइडेड बाय 5 राइट, इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन एड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स, 42 माइनस 39, then x is equal to 42 minus 39 is 3 by 5, right? So x is equal to 3 by 5. When we add 3 by 5 to 7 upon 4 by 5, then we get 8 upon 2 by 5. तो आपको लिखना है तो लिखो, when we add 3 by 5 to 7 upon 4 by 5, then we get 8 upon 2 by 5, right? तो x is equal to 3 by 5, right? तो remaining problem, तो 10th problem आपको homework में कीजिए, right? Today we complete exercise 2.1, right? तो remaining part will be continued in
Next class, if any doubt in exercise 2.1, then send in WhatsApp or call me. Okay, do homework. Thank you.